भारत को आजादी दिलाने वाले नायकों के योगदान को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 175वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसी कड़ी में शक्तिनगर स्थित एनटीपीसी सिंगरौली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का आयोजन कोविड नियमों के अनुपालन के साथ किया गया, जिसके तहत एनटीपीसी सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिजनों के लिए नेताजी के जीवन पर आधारित विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए इस क्रम का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। शक्तिनगर से अनु पांडे की रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो आजादी का अमृत महोत्सव, इसमें हमको एक नेताजी का बस्ट लगाना है और कोई एक पब्लिक प्लेस का नाम नेताजी का नाम में देना है। द थिंग इज दैट आई फील दैट वी आर ए 39 ईयर ओल्ड स्टेशन, प्रोबेबली वी हैव मिस दैट वन। हम लोग को ये पहला ही करना चाहिए था, बट ये हमको मौका मिला। ये नेताजी का 125th बर्थ एनिवर्सरी में उनको श्रद्धा ज्ञापन करने का, ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड एंड कोविड पीरियड में हमारा एचआर, हमारा टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन सब मिल के विद इन द शेड्यूल टाइम ये पार्क को भी सजाया, नेताजी का ये मूर्ति इधर लगाया एंड ये पार्क का नाम भी हम लोग नेताजी सुभाष पार्क रखा हूँ। इसका साथ साथ ये पार्क में आप लोग देखे हैं एक ओपन जिम भी लगाया हूँ। सो हमारा उम्मीद है हमारा टाउनशिप का जितने आदमी है, पर्टिकुलरली बच्चा लोग, इसका पूरा मजा लेगा। एंड दिस इज द चांस वी आर गेटिंग टू शो आवर रिस्पेक्ट टू द ग्रेट सन ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो डिक्लेयर दिस एज पराक्रम दिवस। आवर प्रणाम टू नेताजी ऑन दिस डे।